हेलो भाई, मैं विवेक। आज की वीडियो में भाई मैं आपको दिखाऊंगा फार्म ट्रैक का 3 गियर वाला ट्रैक्टर। अभी 3 गियर वाला ट्रैक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको बम्पर देखने को मिलेगा जो कि पावर टेक की तरह डिज़ाइन किया हुआ लगता है फ्रंट से देखने में। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जाली के ऊपर 60 की बेचिंग दी हुई है। इससे आपने पता कर लिया होगा कि भाई ये फार्म ट्रैक का कौन सा ट्रैक्टर है। यहाँ पर आपको LED लाइट के साथ में अपने हेलोजन स्टाइल हेडलैम्प मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साइड से दिखने में इस ट्रैक्टर का लुक काफ़ी तगड़ा है और ये काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक का 60। इसका पेंट भी नए मॉडल वाला जो पेंट है वो काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको T20 और 20 स्पीड गियर बॉक्स है, मतलब T20 के नाम से कंपनी ने इस ट्रैक्टर को निकाला है। क्लासिक प्रो 60 फार्म ट्रैक की जो बेचिंग है वो मिल जाती है आपको। यहाँ पे पावर मैक्स इसका वेरिएंट है, इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको काफ़ी बड़े साइड में हीट गार्ड मिल जाएगा जो कि इंजन की गर्म हीट से भी आपको बचाएगा, प्लस अगर फ्रंट टायर से कुछ उछलता है तो वो भी आपके पैर तक नहीं पहुँच पाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेटिंग मिल जाएगी। और इसकी अगर सीट की बात करें तो भाई इसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी हुई है जो कि दिखने में ही कंफर्टेबल और बड़ी बड़ी सी लगती है। इस तरह की सीट सभी ट्रैक्टरों में दे तो काफ़ी बढ़िया रहे। बाकी यहाँ पे अगर आप मीटर देखोगे तो नॉर्मल अपने जो ओल्ड स्टाइल है सेम स्टाइल में आपको मीटर देखने को मिलेगा। बाकी स्टेयरिंग भी आप देख सकते हो कुछ तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी हैंड रेस हो गई। और साइड में इसके अगर हम गेयर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लोहाई वाला गेयर मिलेगा और पीछे की साइड भी एक इसमें हॉर्स बना है और बुल बना है, मतलब इसमें आपको 2 गियर मिलेंगे इस साइड और इस साइड आपको 1 2 3 4 वाला एक गियर मिलेगा। मतलब गियर की स्पीड काफ़ी सारी इसमें दी हुई है, 16+4 का गियर बॉक्स दिया हुआ है। वहीं पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर दिए हुई है। उसी के साथ में अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर दिया हुआ है जिससे आप आसानी से अपने कोई भी इम्प्लीमेंट इसमें यूज़ कर सको। और इसमें काफ़ी सारी आपको मेटिंग मिल जाती है। बीच में थोड़ा सा बम्प दिया हुआ है लेकिन अगर ये पूरा फ्लैट होता और उसके बाद में ये मेटिंग देते कंपनी वाले ब्लैक कलर में, काफ़ी प्यारा लगता भाई। ऊपर से व्यू देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। 60 लीटर की कैपेसिटी वाला इसमें फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और इसके अगर हम क्लच की बात करें तो भाई इसमें डबल क्लच आता है, मतलब दोनों क्लच आपके अलग अलग हैं। और ब्रेक की बात करें तो भाई इसमें आपको ऑयल लिमस्ड मल्टी डिस्क ब्रेक दी हुई है जो कि लगभग आपको सभी ट्रैक्टरों में इस तरह के ब्रेक देखने को मिलेंगे। बाकी पहले कंपनी यहाँ पे इसके बोनेट में एक एयर क्लीनर देती थी जो कि थोड़ा सा अजीब लगता था, बाकी कंपनी ने उसे अब हटा दिया है तो काफ़ी ये प्यारा लगता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई आपका अल्टीनेटर। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पंप दिए हुए हैं जिसमें से एक हाइड्रोलिक का दूसरा पावर स्टीयरिंग का, और इनकी डिज़ाइन भी थोड़ी सी अलग लगती है दिखने में। और उसी के नीचे देखोगे तो भाई सफ़ेद कलर में आपको इसका जो फिल्टर है वो मिलेगा। और इसके फिल्टर की खास बात यह है कि ये भाई 500 घंटे तक इसके फिल्टर को आप आराम से चला सकते हो, मतलब 500 घंटे के बाद आप इसकी सर्विस करवाओ। बाकी फ्रंट एक्सल की बात करें तो एडजस्टेबल एक्सल दिया हुआ है और इसमें आपको डुअल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है जो कि दोनों साइड है, जो कि आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा देगा। बाकी इसके इंजन की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जिसमें बॉश कंपनी का इनलाइन पंप दिया हुआ है। इंजन की HP की कैटेगरी की बात करें तो भाई इसमें आपको 55 HP की कैटेगरी का इंजन मिलता है जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पर अपना काम करता है। इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो भाई इसमें आपको 3510 CC का इंजन मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा इंजन है, इसे आप 55 HP का सबसे बड़ा इंजन बोल सकते हो। बाकी अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो ये लगभग 240 न्यूटन मीटर के लगभग का टॉर्क देता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको वाटर सेपरेटर दिया हुआ है जो कि आपके पंप की लाइफ बढ़ाएगा। उसी के नीचे बैटरी बॉक्स दिया है जिसपे आपको फार्मटेक की बैचिंग मिल जाती है। साइड में बैटरी बॉक्स देना काफ़ी बढ़िया है। उसी के आगे आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको जो बोनेट खोलने के लिए लॉक दिया हुआ है जिससे कि आप आसानी से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो भाई आप देख सकते हो इसमें आपको एडजस्ट करने के लिए सीट में फंक्शन दिया हुआ है जिससे आप हाइट बेल्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भाई आपका इंडिपेंडेंट क्लच हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भाई डुअल क्लच है। 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, आपको मडगार्ड के ऊपर भी इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी फार्म ट्रैक का ये एक काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है और काफ़ी ज़्यादा किसानों द्वारा पसंद किया हुआ ट्रैक्टर है। टायर साइज की बात करें तो भाई इसमें आपको 16x28 और 14x28 दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। बैक एंड साइड से व्यू दिखाऊं तो सबसे पहले आपको यहां पर 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है और इसमें लिखा भी है कि भाई बिस्तरी टेक्नोलॉजी नियम बशर्ते लागू। पीछे इसके LED हेडलाइट मतलब LED टेल लैंप मिल जाते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, ये भी फेमस है भाई इसके। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें इस तरह का आपको हैवी एक्सल मिल जाता है।
इसके सेंसिंग की बात करें तो भाई इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग मिल जाती है आपको, 3 अलग अलग पॉइंटों से आप आराम से सेंसिंग करवा सकते हो, और अपने मतलब जिस तरह की आपकी ज़मीन है उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अगर पीटीओ की एचपी की बात करें तो 49 HP का पीटीओ मिलेगा, 540 RPM पे ये अपना काम करता है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो भाई 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इसमें मिल जाती है, जिससे ये भारी से भारी इंप्लीमेंट को आसानी से उठा पाएगा। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई प्लाउ लैम्प, और इसके सीट में अगर आपको दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे भी एक एडजस्ट के लिए एक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे भी एक सिस्टम दिया हुआ है। मतलब सीट तो भाई इसकी बहुत बढ़िया कंफर्टेबल सीट को डिज़ाइन करने की कोशिश करी है कंपनी ने। अभी कितनी कंफर्टेबल है तो भाई इस ट्रैक्टर को जो ड्राइव करेगा वही बता पाएगा। बाकी इस ट्रैक्टर का लुक काफ़ी तगड़ा है। टायर साइज़ की बात करें तो भाई 750/16 की फ्रंट डिस्क आपको मिल जाता है टायर साइज। बैक एंड साइड की बात करें तो भाई पीछे आपको 14-16 दोनों का ऑप्शन है, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हो। इस ट्रैक्टर में भाई 16-28 के टायर डले हुए हैं, अगर 14 चाहिए तो भाई आपको 14-28 का भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो भाई ये था अपना फार्मटेक 60 और पावर मैक्स, अपना जो वेरिएंट था इसमें आपको पावर मैक्स, सुपर मैक्स, अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे आपको, जो इसमें बढ़िया लगे आप वो ले सकते हो। बाकी ये T20 गेयरबॉक्स वाला अपना ट्रैक्टर था फार्म ट्रैक का, जिसमें आपको 20 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है। बाकी इसकी जो 20 स्पीड गेयरबॉक्स कंपनी ने दिया है, अभी कितना ज़मीन में जब अपन इसका यूज़ करेंगे कितना बढ़िया तरह से अपना काम करता है, या फिर इसको सिंपल लो हाई मीडियम दे देते तो भी ये उतना ही बढ़िया काम करता है, या फिर इसमें एक गेयर अलग से दिया हुआ है जिसका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, ये तो भाई जिसके पास ट्रैक्टर है, जो इसका यूज़ कर रहा है, वही आपको बढ़िया इसका बता पाएगा। बाकी किसी भाई के पास हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।